What's up guys, once again welcome back to my channel with another video. Right, so जो मेरी आज की वीडियो है, ये वीडियो मेरी वर्कआउट टिप्स को पर है. इससे जो पहले वीडियो बनाई थी वो मैंने वीडियो बनाई थी वेट गेनिंग टिप्स को पर, एंड वो वीडियो मेरी अच्छे खासे लोग देख रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है एंड जो मेरी वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. मेरे को उससे बहुत सारी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है एंड थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरी कोई वीडियो देख रहा है एंड उसको वो वीडियो अच्छी लग रही है. एंड एक का तो कमेंट पता क्या आया था कि तुम अच्छी वीडियो डाल रहे हो, अच्छा कंटेंट डाल रहे हो और मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ. तो ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई अगला भी अगर हमको देख के कुछ चीज़ कर रहा है. सो हमेशा लाइफ में हर चीज़ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो. यूट्यूब ही नहीं है करने के लिए, 100 चीज़ें आप पढ़ाई करो, जॉब कर रहे हो जॉब करो, बिजनेस करो, कई सारी चीज़ें हैं, मतलब करो बस अच्छा करोगे, नहीं कि गलत करो. पैसों के लिए अपना कभी भी दीन ईमान मत बेचना, क्योंकि आजकल लोग यही कर रहे हैं. पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अपना फेक डिवोर्स दिखा दे रहे हैं, अपना कुछ भी दिखा दे रहे हैं, अपने घर वालों को दिखा रहे हैं, कंटेंट पिला रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं अपने पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए चार पाँच बार शादी कर ले रहे हैं, मतलब कुछ भी कर ले रहे हैं जो मन में आ रहा है. तो ये सब गाइस मत करो, ये सब आपको एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा. लाइफ में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपना दीन ईमान बेच के जो पैसा आता है वो पैसा नहीं होता है, वो एक्चुअली कर्ज होता है जो कि आपको मिलते रहता है और इसके हिसाब आपको एक दिन चुकाना पड़ेगा. ओके, सो गाइस टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वर्कआउट के टिप्स जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे पोस्चर को भी इम्प्रूव करने के लिए एंड हमारे वर्कआउट को भी इम्प्रूव करने के लिए. पहले मैं अपनी पोजीशन ले लेता हूँ, फिर बाहर की तरह एक पोजीशन में बैठ जाता हूँ, उसके बाद जाके वर्कआउट की टिप्स बनाऊँगा, मतलब आपको बताऊँगा. यार मेरा बैक कैमरा है, फ्रंट में मिरर है, देखता हूँ उसमें सही आ रहा ना. ऐसा नहीं कि मेरा मुँह में दिख रहा है, कभी ऐसे भी होता नहीं कि पूरा मुँह दिख रहा है, खाली और कुछ दिख नहीं रहा है. अब आई थिंक सही है, परफेक्ट है ना, परफेक्ट. और लाइक सो गाइस देखो, अगर मैं वर्कआउट की बात करूँ तो अरे यार कैसा कैमरा एंगल बैठेगा, सही है, सही सही, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सर आ रहे आ रहा हूँ ना पूरा फ्रेम में. किससे पूछो भाई, तीसरा बंदा कौन है बताओ भाई, आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ. मेरे मतलब दिख रहा है लेकिन ऐसा उन्होंने कि एंगल हिल जाए. चलो छोड़ो, जैसे भी है फेस तो दिख ही रहा होगा, इतना पता ही मेरे को. तो वर्कआउट देखो, जब आप जिम में, देखो ये सब बातें छोड़ दो, मैं आपको स्टार्टिंग की पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि पूरी प्रोसेस फंक्शन कैसे करती है. आप एक बिगिनर हो, आपने फर्स्ट टाइम जिम देखा है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है वर्कआउट के बारे में, कुछ नहीं पता है आपकी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ. मेरे को इतना टाइम वर्कआउट करते हो गया है तो मेरे को कई सारी चीज़ें ऐसी पता है जो मेरे को पता है कि अगले लोगों को वो नॉलेज देंगी और अगले लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी. तो आपने फर्स्ट टाइम जिम देखा, आपको कुछ नॉलेज नहीं, आपको वर्कआउट की ABCD नहीं पता है, तो अपनी एक मेंटेलिटी रखना कि आपको जिम जाना है, जिम जाओगे, वहाँ पर मशीनें हैं, आप फर्स्ट डे उसमें वर्कआउट करोगे तो बिल्कुल भी सही वर्कआउट आपका नहीं होगा, क्योंकि वो मशीनों को हैंडल करना आपको नहीं आता है. और एक चीज़ करना कि हमेशा जाने के जिम जाते ही फ्री वेट से वर्कआउट करना स्टार्ट मत करना, ये बिल्कुल मत करना कि आप जाते ही फर्स्ट डे में आप बेंच प्रेस मार रहे हो, आप खाली डंबल लेके चेस्ट प्रेस कर रहे हो, बाइसेप्स कर्ल्स कर रहे हो. हमेशा मेक श्योर करना कि आप स्टार्टिंग के एक महीना खाली मशीन में वर्कआउट करो और खाली अपने आप को मशीन में ट्रेन करो और अपने आप को एक हैबिचुअल बनाओ वर्कआउट करने का, क्योंकि मशीन में जो हम वर्कआउट करते हैं वो एक सिस्टमेटिक होती है, मतलब एक सेट होती है मशीन, उसमें आपकी फॉर्म कभी भी गलत नहीं रहेगी, उसमें आपकी फॉर्म हमेशा सही रहेगी, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा है और आपको इंजरी के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे. क्योंकि अगर आप जिम जाते ही फ्री वेट से वर्कआउट करते हो तो उससे आपको इंजरी हो सकती है. अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आपकी फॉर्म सही नहीं है तो कमर बोल जाएगी भाई, बहुत दिक्कत है. अगर आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बेंच प्रेस कर रहे हो तो आपकी रॉड यहाँ वहाँ होके डुल के भाई गिर जाओगे, लग जाएगी. तो वो सबको ट्राई मत करना, मैं आपको एक एक्सपीरियंस होने के नाते एडवाइस दे रहा हूँ. मानिए मानो, नहीं मानिए तभी भी मानो भाई, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है. तो फर्स्ट थिंग जाओगे उसमें मशीन में वर्कआउट करना, ठीक है, और जाते ही ये ट्राई करो कि तुम वर्कआउट सीखना स्टार्ट कर दो. अगर आपको फिटनेस को अपने मेन स्ट्रीम में लेना है तो इसकी नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिम में कई सारे इतने क्या बोलूँ मैं, इतने मंद बुद्धि लोग भरे पड़े, इतने मंद बुद्धि लोग भरे पड़े हैं, आपको ऐसा ऐसा वर्कआउट बताएंगे ना कि आप पागल जाओगे, और उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा. और जब तक आपको समझ में आएगा ऐसा ना हो कि आपको कई ज़्यादा देर हो चुकी हो और आपकी बॉडी में वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया हो. तो कभी भी जिम में आके
मेरा तो एक वो रहा है कि मैंने कभी किसी से वर्कआउट नहीं पूछा, मैं कभी किसी के पास नहीं गया। मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब में कई सारे चैनल है भाई, गुरु मान का चैनल ले लो, जितेंद्र सिंह का चैनल है, द्रोणाचार्य का चैनल है, तो जाओ यार वहाँ जाके पहले चीजें सीखोगे ना समझ में आ जाएगा। फॉर्म्स बताएंगे आपको, कई सारी चीजें बताएंगे, तो जाओ इनकी वीडियोस देखो, और वीडियोस देखने के बाद उसको अपने वर्कआउट में अप्लाई करो। वर्कआउट आपकी फॉर्म ठीक नहीं होगी, उस सपोर्ट के लिए आप ट्रेनर की हेल्प ले सकते हो, अपना साथ में जो फ्रेंड जा रहा है उसकी हेल्प ले सकते हो। और बाकी किसी से जिम में भाई मत पूछो, किसी से भी वर्कआउट मत पूछो, क्योंकि आपको कौन क्या वर्कआउट बताता आपको नहीं पता है। जब आपको नॉलेज खुद हो जाएगी तो आप किसी से पूछ रहे हो, अगर आपको कोई बता रहा है आपको लग रहा है वो सही बता रहा है तो वो चीज़ें सुनो, अगर आपको लग रहा है वो सही नहीं बता रहा तो भाई भाड़ में जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी ख़राब होगी, अगले इंसान का कुछ नहीं आने वाला, वो आपको बताएगा, अपने तरीके से वर्कआउट कराएगा, अपनी ईगो सेटिस्फाई कराएगा और आपकी ऐसी तैसी। सो ये चीज़ को मेक श्योर करो कि जिम जाना है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको मशीन में वर्कआउट करना है 1 महीने, किसी अच्छे यूट्यूबर को देखकर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखकर उनकी वीडियो को फॉलो करो, उनकी टिप्स को फॉलो करो, बिगनर वर्कआउट के प्रोग्राम देखो और वो वर्कआउट स्टार्ट करो। और फोर्थ सबसे मेन चीज़, जाते ही बॉडी नहीं में आनी है भाई, जाते ही बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के पीछे नहीं पड़ना है। आई नो लड़कों को बाइसेप ट्राइसेप सबसे ज़्यादा फेवरेट रहते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ट्रस्ट मी जितना आप वर्कआउट करोगे उतना लीस्ट आपके बाइसेप ट्राइसेप फेवरेट होंगे। अभी जैसे मेरा है, मेरे को बाइसेप ट्राइसेप पसंद ही नहीं है भाई, नहीं, अगर वो मेरे रूटीन में ना भी होना मैं खुश हूँ, और ये फैक्ट है। मैं भी जिम में गया था, मेरे को बाइसेप ट्राइसेप्स करना बहुत पसंद था जितना टाइम होता गया। अब मेरे को पता क्या पसंद है, चेस्ट, बैक, लेग्स, ये 3 चीज़ मेरी फेवरेट है, तो आपकी भी वो बन जाएंगी जब टाइम के साथ साथ। और मैं आपको ये एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ कि आप मेरे से 6 कदम 10 कदम आगे निकल के स्टार्ट करो। आपको ओवरऑल बॉडी ग्रो करनी है, आपको सिर्फ 1-2 बॉडी पार्ट ग्रो नहीं करना है, सिर्फ इनका ही वर्कआउट मत करो, स्टार्टिंग से जाते ही आपको ओवरऑल बॉडी में फोकस करना है, तब जाके जो आपकी फिजिक निखर के आएगी ना भाई, ट्रस्ट मी, आप कहोगे भाई मज़ा आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल बॉडी में ध्यान दो, लेग स्किप मत करो, जिम में जाओगे ना हर कोई लेग स्किप करते हैं, मत करो, ओवरऑल बॉडी ट्रेन करनी है, फिट होना है हर जगह से, सिर्फ एक पार्ट से फिट नहीं होना है। और लेग्स हमारे सपोर्टिंग रोल, हमारा मतलब सपोर्ट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो उसको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, समझ गए, जाना है अपना ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करना है, और एक ही मेंटेलिटी रखनी है कि मेरे को सिर्फ अभी अपनी हैबिट डालनी है वर्कआउट की, ठीक है। ये नहीं कि जाती मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, मेरे को बॉडी बनानी है, कुछ नहीं बनाना भाई, तुमको जाना है नॉर्मल खाना जो खाते हो वही खाओ, उसमें प्रोटीन ऐड कर लो, प्रोटीन इन द सेंस अंडे ऐड कर लो, चिकन ऐड कर लो, पैसे हैं तो वरना अंडे का ऐड कर लो, हल्का फुल्का डाइट, प्रोटीन डाइट बढ़ा दो अपनी, और सिर्फ जिम में जाना है, वर्कआउट करना है और अपनी हैबिट डालनी है, ठीक है। रिजल्ट मिल जाएंगे भाई, हैबिट डालोगे ना, अगर आपको 2 महीने हैबिट डल जाएगी ना, उसके बाद आप लाइफ टाइम वो चीज़ करते रहोगे, तो वो चीज़ करने के पहले हैबिट डालो। रिजल्ट में मत जाओगे, रिजल्ट में कुछ नहीं रखा है यार रिजल्ट में रखा है, लेकिन रिजल्ट अपना मिलते हैं भाई, अपना भी लेंगे। आप जाओ जाके जिम में वर्कआउट करो, हैबिट डालो, रिजल्ट आते रहेंगे आपको। बॉडी देखो, बॉडी नहीं बनती है, खेल नहीं है, मजाक नहीं है बॉडी बनाना, ठीक है, कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में बन गई, टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे, तो करते रहो भाई, करते रहो, आपको फिट रहना है ना तो करते रहो, ठीक है। बॉडी नींबी बनेगी आपकी, शरीर फिट रहेगा अंदर से, आपको शरीर फिट रखना है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 2 साल तक प्रोटीन पाउडर मत लो, 2 साल तक क्या, तब तक प्रोटीन पाउडर मत लो जब तक आपकी डाइट से आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, ठीक है। अगर आप डाइट लेते हो और उस डाइट से आपको रिजल्ट ही मिल रहे हैं, आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, तो मत जाओ प्रोटीन पाउडर में, उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जितना इफेक्टिव आपकी डाइट है उतना इफेक्टिव प्रोटीन पाउडर नहीं है, वो उनके लिए है जिनको टाइम नहीं है डाइट लेने का, जो डाइट नहीं ले पा रहे हैं वो, उनको प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है, और ये कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है प्रोटीन पाउडर। जो इंटरनेट पे खचरे बैठे हैं ना, ये जो बता रहे हैं कि सत्तू ये वो करके, ये मतलब पागल अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। प्रोटीन पाउडर बेकार चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपकी डाइट से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं और आपको उतना इनफ टाइम है वो डाइट लेने का, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो जो कि प्रोटीन में जा रहे हो, क्योंकि जो डाइट से आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे वो आपको प्रोटीन से न्यूट्रिशन कभी भी नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर मिल भी जाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ जाएगा, जो कि आपको डाइट में बहुत मिनिमल करना पड़ता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखो गाइज, प्रोटीन तब इंपॉर्टेंट है जब आपकी बॉडी में रिजल्ट रुक गए हैं, क्योंकि आपकी जो डाइट है वो इनफ नहीं पड़ रही है, और इतना प्रोटीन आप डाइट के थ्रू कंज्यूम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप दिन के 12-12, 13-13 अंडे खाओ, क्योंकि पेट खराब हो जाता है, हम सबको पता है। तो उस चक्कर से हम प्रोटीन लेते हैं, एक वो इजी वे है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है एंड हमको रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी देता है,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से कुछ जाने है प्रोटीन प्रोटीन में, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से प्रोटीन खाओगे तो आपकी बॉडी कहीं नहीं जाने वाली है, खाली बन जाएगी और उसमें ताकत बिल्कुल नहीं होगी। अपनी बॉडी का पोटेंशियल बाहर निकालो 2-3 साल तक, जब तक निकलता है, जब पोटेंशियल उसका ख़त्म हो जाए तब जाके प्रोटीन सप्लीमेंट्स में जाओ, तब जाके आपको बॉडी, आपकी बॉडी झेल भी पाएगी और आपकी बॉडी को एक अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है अगर आपको फिटनेस में आना है, लेकिन ये आपकी लाइफ चेंज कर देंगी और ये आपको एक ऐसी फिजिक देंगी ना, जैसे मेरी बॉडी देखो, वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, है ना बाइसेप्स, ठीक है ना, तो ये होता है। मैंने 2-3 साल तक कुछ नहीं लिया, आई स्वेयर कि मैंने 3 साल तक एक भी प्रोटीन ब्रांड नहीं यूज़ करा। उसका 2 रीज़न थे, फर्स्ट मेरे पास पैसे नहीं थे एंड सेकेंड मेरे को नहीं लेना था क्योंकि मेरी डाइट से ही मेरे को इनफ मिल रहा था। मैंने अब जाके ये प्रोटीन स्टार्ट करें भाई लेना, और ये भी मैं ऐसे नहीं कंटिन्यू लेता हूँ, मैं इसको अभी खा रहा हूँ, अभी मैं 2-3 महीने प्रोटीन छोड़ दूँगा, खाली डाइट से बॉडी बनाऊँगा। मैंने अब कभी ऐसी अपनी बॉडी को आदत नहीं डाली है इन सब चीज़ों की, क्योंकि आदत से क्या होता है, मैं अगर एक किस दिन खाना छोड़ दूंगा ना तो मेरी बॉडी पूरी फुस जाएगी और मेरी बॉडी ऐसे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को ऐसा बनाया हुआ है, मैं प्रोटीन नहीं खा रहा हूँ, कुछ नहीं खा रहा हूँ, तभी भी मेरी एक नॉर्मल फिजिक मेंटेन रहती है कि अगले साल देखेगा तो बता देगा भाई ये जिम जाता है, इसकी थोड़ी बहुत फिजिक है, क्योंकि मैंने उस तरीके से अपनी बॉडी को ट्रेन करा है। तो आप भी उस तरीके से अपनी बॉडी को ट्रेन करो कि आपको कुछ इफेक्ट ना पड़े कि जिम छोड़ दिया तो पागल हो गए भाई, ख़त्म हो गए, सूखी हड्डी बन गए, पहचान में नहीं आ रहा क्या थे क्या नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और सेकंड वर्कआउट, देखो वर्कआउट के स्टेप्स होते हैं, बिगनर हम स्टार्टिंग में वर्कआउट करते हैं, तो स्टार्टिंग में जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो आप सिंगल मसल को ट्रेन करो खाली, ठीक है, सिंगल मसल को ट्रेन करो, क्योंकि आप में स्टैमिना इतना नहीं है स्टार्टिंग में, और सिंगल मसल को ट्रेन करोगे तो आपको एक इनफ टाइम मिलेगा वर्कआउट समझने के लिए, वर्कआउट जानने के लिए, तो पहले वो सब करो। कुछ मैंने सिंगल मसल को ट्रेन करो, जब आपको लगता है कि सिंगल मसल ट्रेन कर, आपकी जो मसल रिकवरी है वो फास्ट हो गई है और आपकी मसल 48 घंटे में रिकवर हो जाती है और आपको रिक्वायरमेंट है कि हफ्ते में उसको 2 बार ट्रेन करो, तो आप डबल मसल का वर्कआउट स्टार्ट करो। और गाइस ऑनेस्ट बताऊँ कि मैंने पुश पुल लेग्स कभी किया नहीं है, और किया है लेकिन जो उसके रिजल्ट है उस मान में टाइम लगता है, मेरे को वो पता है, मैं उसको बेकार नहीं बोलूँगा वर्कआउट को, लेकिन मैंने किया 1-2 हफ्ता किया है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट ही नहीं है, बेस्ट रिजल्ट आते हैं उसके, मैं बस मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरी बॉडी में सूट नहीं करा, और करा भी होगा तो आई डोंट नो, तो मैंने वो वर्कआउट कंटिन्यू कभी नहीं करा है, पुश पुल लेग मैंने कभी नहीं करा है, मैंने नॉर्मल वर्कआउट करा है। तो अगर आपको पुश पुल लेग करना है तो ऑब्वियसली वीडियो देखो, पुश पुल लेग वर्कआउट करो, अच्छी बात है, बेकार वर्कआउट नहीं है, तो वो करना है, या तो डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करने है वो करो, ठीक है, वो करोगे फिर उसमें आपको 2-3 साल लग जाएंगे कि आपको वो चल रहा है, पुश पुल चल रहा है, या तो डबल बॉडी पार्ट चल रहे हैं आपके, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। फिर एक पॉइंट आता है, एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जहाँ पर आपका प्लेट्यू पहुँच जाता है। इसका प्लेट्यू मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी एक लेवल पर पहुँच गई है, ख़त्म, मतलब आप प्रोटीन ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, आपकी सब ऑन पॉइंट है, हर चीज़ ऑन पॉइंट है, लेकिन आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। एक फेज़ आया होगा, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपके उसमें एक फेज़ आया होगा कि आपका सब कुछ सही है, आपकी डाइट है, आपका वर्कआउट है, हर चीज़ है, लेकिन रिजल्ट ही नहीं है, मतलब सेम 16 इंच का हो रहा है तो 16 इंच का ही है, वो बढ़ नहीं रहा है ना कम हो रहा है, तो आप परेशान हो जाते हो उस टाइम में, क्या है भाई रिजल्ट ही नहीं आ रही है। और उसी वक्त कई लोग हैं जो कि स्टेरॉइड पकड़ते हैं, फैस ये बिल्कुल नहीं करना है, प्लेट्यू को आपको ब्रेक करना है, आपको अपने वर्कआउट को चेंज करना है, अपने रूटीन को चेंज करना है। अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो छोड़ दो और कुछ और ट्राई कर लो, अगर आप अंडे दिन में खा रहे हो तो शाम को खा लो, वर्कआउट रात को जा रहे हो सुबह चले जाओ, अपने वर्कआउट में पुश पुल लेग कर रहे हो तो चेंज कर लो वर्कआउट, अपनी पूरी वर्कआउट ही चेंज कर दो, जो आप एक्सरसाइज करते हो भूल जाओ, ख़त्म कर दो एक्सरसाइज, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। अपनी बॉडी को एक हमको शॉक देना पड़ता है, मतलब बीच बीच में चेंजेस करने पड़ते हैं कि हमारी बॉडी एक चीज़ को अडेप्ट ना कर ले। और जब प्लेट्यू आता है तो उसको ब्रेक करने के लिए भी वर्कआउट होते हैं, कई सारे वर्कआउट होते हैं, प्लेट्यू बस्टिंग वर्कआउट होता है, उसमें कि जैसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर दिया ज़्यादा ही, ठीक है, 4 सेट करने थे 5 सेट कर रहे हो, वेट अलग बढ़ा दिया, रेपुटेशन चेंज कर दिए, वर्कआउट का टाइमिंग चेंज कर दिया, डाइट चेंज कर दी, तो ये चीज़ उससे आपकी बॉडी दोबारा एक ग्रो होती है और दोबारा आपको एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बारीकियाँ जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म में समझ में आएंगी, और अभी मेरी वीडियो देख के अगर आप ये समझ पा रहे हो ना तो आप समझ लो 3-4 साल अहेड चले गए हो हमसे, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करोगे ये सब नॉलेज लेके ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये और बहुत अच्छी चीज़ है, सीखना चाहिए हर किसी को। मेरे तो ये मानना है कि भाई अगर मैं, मेरे को कुछ आता है तो मैं अगले को बताऊंगा, तो अगर वो 3-4 साल आगे होके वर्कआउट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, वो सब अगर उसको वो इंजरी फेस नहीं करनी पड़ रही है, वो लैक ऑफ नॉलेज नहीं है,
तो बहुत अच्छी चीज़ है। और आजकल इंटरनेट में हर चीज़ अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप नॉलेज लेके जिम में उतरो, जो कि आपके लिए बढ़िया होगा। और ये सब कोट पैंट वाली वीडियो, कोट पैंट पहनने वालों की वीडियो पे भाई भरोसा मत करना, ठीक है? जो जिन्होंने वर्कआउट करा है, जिन्होंने चीज़ें देखी है ना, उनको पता होता है कि भाई कैसे बॉडी फंक्शन करती है, कैसे क्या करती है। तो ये होते हैं प्लेट्यू हिट हो गया। और ये पता है मैं पॉइंट कब बता रहा हूँ, प्लेट्यू वाला 6 साल वाले लोगों को, मतलब मेरे को ये पॉइंट आया हुआ है और मैंने वो ब्रेक भी करा है, तो ये सब चीज़ें होती है। और राइट सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो वर्कआउट टिप्स के रिलेटेड, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मेरे को कमेंट करके बताओ भाई किसको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी, और किसको ये वीडियो अच्छी लगी, और किसको इस वीडियो से क्या क्या नॉलेज मिली है। एंड आई नो कि जो इंटरमीडिएट लोग होंगे उनको भी कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड मेरे को कमेंट करके बताओ गाइस, जो वर्कआउट करता है, जो जिसको मेरी बातें सेंसिबल लगी हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डाफ्ट कार्तिक दिस साइड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, मैं फ्रेंड से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद को देख कर मेरे को दिख रहा होगा कि मेरा क्या एक्सप्रेशन जा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल रहता है वैसे बोलना, अभी ऐसा लग रहा है मैं कैमरे से बोल रहा हूँ, अभी सही लग रहा है थोड़ा। जिसको जिसको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप इस वीडियो में कमेंट करो, प्यारे प्यारे से कमेंट करो जाकर, और सब्सक्राइब का बटन दबाओ भाई, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाओ। मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, डेली देखो गाइस वेरी वीडियोस, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा एंड कुछ नॉलेज मिली होगी। एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं उन सब में से नहीं हूँ, फालतूगिरी मैं नहीं दिखाता, मैं नॉलेज भी प्रोवाइड करता हूँ टाइम टू टाइम जब मेरे को रिक्वायरमेंट लगती है, ठीक है? लाइफ में हमेशा नॉलेज रखना सीखो किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है? फालतूगिरी से नहीं चलता, फालतूगिरी से देश बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, यूथ बर्बाद होगा। एंड मैं ऐसे कभी नहीं चाहता हूँ कि यूथ जो आजकल बन रहा है वो बने। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, डाफ्ट कार्तिक दिस साइड, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हेल्दी।